हेलो फ्रेंड्स, भारतीय राजव्यवस्था में आज बात करेंगे विदेश नीति या फॉरेन पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, भारतीय विदेश नीति भारत के राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए विश्व के अन्य राज्यों के साथ भारत के संबंधों का नियमन करती है या विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होता है, जैसे भूगोल, इतिहास और परंपरा, सामाजिक बनावट, राजनीतिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, आर्थिक स्थिति, सैन्य शक्ति और जनता की राय तथा नेतृत्व। भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत। पहला, विश्व शांति को बढ़ावा देना। भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना है। संविधान का अनुच्छेद 51 भारतीय राज्य को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व शांति बनाए रखने, राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक व न्यायपूर्वक संबंध बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय विधियों व संधि शर्तों के प्रति आदर रखने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारों में मध्यस्थता स्थापित करने का निर्देश देता है। राष्ट्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शांति आवश्यक है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि शांति हमारे लिए एक उत्साहजनक आशा ही नहीं, यह एक आपात आवश्यकता है। दूसरा है गैर उपनिवेशवाद। भारत की विदेश नीति औपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का विरोध करती है। भारत का विचार है कि औपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा कमजोर राष्ट्रों के शोषण को बढ़ावा देता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावित करता है। भारत ने औपनिवेशवाद के सभी रूपों में परिशोधन की वकालत की तथा एफ्रो एशियाई देशों जैसे इंडोनेशिया, मलाया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, घाना, निमीबिया तथा अन्य देशों के स्वतंत्र आंदोलनों का समर्थन किया। इस प्रकार भारत ने एफ्रो एशियाई देशों के औपनिवेशक और साम्राज्यवादी ताकतों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल तथा अन्य के विरुद्ध उनके संघर्ष में पूर्ण भाईचारे का प्रदर्शन किया। वर्तमान नव उपनिवेशवाद तथा नव साम्राज्यवाद का भी भारत ने विरोध किया। गैर नस्लवाद। नस्लवाद के सभी रूपों का विरोध भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत के अनुसार नस्लवाद, औपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद की तरह श्वेतों द्वारा अश्वेतों का शोषण सामाजिक असमानता तथा विश्व शांति के बढ़ावा में विघ्न डालने को बढ़ावा देता है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका में अल्पसंख्यक श्वेत शासन की नस्लवाद की नीति की प्रचंड आलोचना की। नस्लवाद की नीति के विरोध में परिणामस्वरूप 1954 में दक्षिण अफ्रीका के साथ कूटनीतिक संबंधों की कड़वाहट आ गई। भारत ने जिम्बाब्वे तथा निमीबिया की श्वेत शासन में मुक्ति संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। गुटनिरपेक्षता। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय विश्व सैद्धांतिक आधार पर दो भागों में विभाजित था। अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीपति भाग तथा भूतपूर्व यूएसएसआर के नेतृत्व में समाजवादी साम्यवादी। शांति युद्ध की इस परिस्थिति में भारत ने किसी भी और जाने से इनकार कर दिया तथा गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम विश्व की इस एक दूसरे के विरुद्ध ताकत की राजनीति से दूर रहेंगे, जिसके परिणाम से विश्व युद्ध हुए तथा पुनः या इससे विस्तृत पैमाने पर किसी विनाश को बढ़ावा दे सकते हैं। मैं सोचता हूं कि भारत युद्ध को टालने की सहायता करने में एक बड़ी भूमिका और शायद प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। इसलिए यह और अधिक आवश्यक हो जाता है कि भारत किसी भी शक्तिशाली समूह के साथ खड़ा नहीं होगा, जिसके विभिन्न कारण हैं। युद्ध का पूर्ण खतरा और युद्ध की तैयारियां। जब हम कहते हैं कि भारत गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करेगा तो इसका अर्थ है भारत किसी भी समूह में शामिल देश अथवा किसी भी देश के साथ सैन्य सहयोग नहीं करेगा। भारतीय विदेश नीति की एक स्वतंत्र दिशा रही होगी। भारत सभी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा। पंचशील अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए आचरण के 5 सिद्धांतों को लागू करता है। यह 1954 में जवाहरलाल नेहरू तथा चाओ एन लाई चीन के राष्ट्र प्रमुख के मध्य तिब्बत के संबंध में भारत चीन संधि की उद्देशिका में शामिल है। यह 5 सिद्धांत हैं। पहला, एक दूसरे को क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता के लिए परस्पर सम्मान, गैर आक्रमण, एक दूसरे के आर्थिक मामलों में दखल न देना, समानता व परस्पर लाभ, शांतिपूर्वक सहअस्तित्व। भारत ने यह अनुभव किया कि प्रतिस्पर्धा ताकतों के शक्तिशील संधियों व संबंधों द्वारा शीत युद्ध के तनावों को कम करना
और भय संतुलन को बनाने के बजाय पंचशील साप्रभुत राष्ट्रों में शांतिपूर्ण सहयोग में उपयोगी है। भारत ने इसे सार्वभौमिकता सिद्धांत पर आधारित बताया जा सकती संतुलन की अवधारणा के विपरीत था। पंचशील काफ़ी लोकप्रिय हुआ और कई राष्ट्रों जैसे म्यांमार, भूतपूर्व युगोस्लाविया, इंडोनेशिया आदि ने इसे अपनाया। पंचशील तथा गुटनिरपेक्षता राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कल्पना व प्रयोगों के भारत में महान देन है। एफ्रो एशियाई झुकाव। यद्यपि भारत की विदेश नीति में विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की बात कही गई, परंतु इसका एफ्रो एशियाई देशों के प्रति एक विशेष झुकाव रहा। इसका उद्देश्य इनके मध्य एकता को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में आवाज़ उठाकर और प्रभावित उन्हें सुरक्षित करने का प्रयास करना। इन राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय सहायता की मांग करता रहा। 1947 में भारत ने नई दिल्ली में प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित किया। 1949 में भारत ने इंडोनेशियाई स्वतंत्रता के ज्वलंत विषय पर एशियाई देशों को एकत्र किया। भारत ने इंडोनेशिया में 1955 में हुए एफ्रो एशियन सम्मेलन में एक सक्रिय भूमिका निभाई। भारत ने समूह 77, समूह 15, IORARC BIST आर्थिक सहयोग और सार्क के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने अनेक पड़ोसी राष्ट्रों से बड़े भाई का नाम प्राप्त किया। राष्ट्रमंडल से संबंध। 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल देशों में अपनी पूर्ण सदस्यता जारी रखने की घोषणा की और ब्रिटिश ताज को राजमंडल प्रमुख के रूप में स्वीकार किया, परंतु इस संविधानोत्तर घोषणा ने भारत की संप्रभुता को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं किया, क्योंकि राष्ट्रमंडल स्वतंत्रता राष्ट्रों के एक स्वैच्छिक संघ है। इसने भारत के गणतांत्रिक चरित्र को भी प्रभावित नहीं किया, क्योंकि भारत ने ब्रिटिश ताज के प्रति उत्तरदायी वफादार थी और ना ही ब्रिटिश ताज भारत के संबंध में किसी भी प्रकार के कार्यों का निर्वाह करता था। भारत व्यवहारिक कारणों से राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा। ये माना गया कि उसकी राष्ट्रमंडल सदस्यता उसके आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य मामलों में लाभकारी होगी या CHOGM में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत ने 1983 में नई दिल्ली में 24वें राष्ट्रमंडल सम्मेलन की मेजबानी की। संयुक्त संघ यानी UNO का सहयोग। भारत 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया। तब से वह संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियों व कार्यक्रमों का समर्थन करता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों तथा सिद्धांतों के प्रति पूर्ण विश्वास व्यक्त किया। भारत की UNO में भूमिका के संबंध में कुछ तथ्य हैं। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भारत औपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद और अब नव उपनिवेशवाद तथा नव साम्राज्यवाद के विरुद्ध नीतियाँ लागू की। 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित को संयुक्त राष्ट्र सभा आम सभा का अध्यक्ष चुना गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र कोरिया, कांगो, अल सल्वाडोर, कंबोडिया, अंगोला, समोलिया, मोजम्बिक, सियरा लियोन, भूतपूर्व युगोस्लाविया व अन्य में चलाए गए नए शांति अभियानों में सक्रिय भाग लिया। भारत संयुक्त राष्ट्र में खुले कार्य समूहों में सक्रियता में भाग लेता रहा। भारत संयुक्त राष्ट्र को मजबूत करने के लिए बनाए गए कार्य समूह को सह अध्यक्ष था। इसने 1997 में अपनी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र को सौंपी। भारत कई बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अस्थायी सदस्य रह चुका है। अब भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। निःशस्त्रीकरण। भारत की विदेश नीति हथियारों की दौड़ की विरोधी तथा निस्त्रीकरण की हिमायत है। यह पारंपरिक व नाभिकीय दो प्रकार के हथियारों से संबंधित है। इसका उद्देश्य शक्तिशाली समूहों के मध्य तनाव कम या समाप्त कर विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है और हथियारों के उत्पादन पर होने वाले अनुपयोगी खर्च को रोककर देश के आर्थिक विकास में गतिशीलता लाना है। भारत हथियारों की दौड़ पर नज़र रखने व निस्त्रीकरण की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र का मंच इस्तेमाल करता है। भारत ने इस दिशा में पहल करते हुए 1985 में 6 देशीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया और नाभिकीय निःशस्त्रीकरण के लिए ठोस प्रस्ताव दिए। सन 1968 में निःशस्त्रीकरण संधि तथा 1996 में CTBT हस्ताक्षर ना करके भारत ने अपने नाभिकीय विकल्प खुले रखे। भारत ने निःशस्त्रीकरण संधि और CTBT का
ने उनके भेदभाव पूर्व व शासनात्मक चरित्र के कारण विरोध किया। ये एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निरंतर जारी रखती है। इसमें केवल 5 राष्ट्र अमेरिका, रूस, चीन, इंग्लैंड और फ्रांस ही नाभिकीय हथियार रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।